हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में हम ये जो कोर्स है उसको डिलीट करेंगे। तो चलिए, कोर्स को डिलीट करने के फंक्शन को हम लिखेंगे। तो कोर्स को डिलीट करने के लिए हमें एक और फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। तो चलिए, उसका जो यूआरएल है वो हम क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे HOD स्लैश कोर्स स्लैश डिलीट। और डिलीट के साथ हमें यहाँ पर एक आईडी भी भेजनी पड़ेगी। जो आईडी होगी वही आईडी का जो डेटा है वो डिलीट होना चाहिए। तो यहाँ पर हम भेजेंगे आईडी को। तो ये आईडी आ गई। अब यहाँ पर HOD व्यूज में उसका फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे डिलीट कोर्स। तो ये हमने फंक्शन लिख दिया। अब उसका नाम लिखेंगे डिलीट कोर्स। अब ये जो डिलीट कोर्स है उसके फंक्शन को हम क्रिएट करेंगे। तो ये जो फंक्शन है वो क्रिएट हो गया। हमें इसके लिए कोई HTML फाइल को क्रिएट नहीं करना, हमें सिर्फ यहाँ पर फंक्शन लिखना है। तो यहाँ पर हमें रिक्वेस्ट लिखना पड़ेगा, और रिक्वेस्ट के साथ साथ हमें आईडी भी, हमने आईडी लिखी थी। ये जो URL है यहाँ पर हमने आईडी भेजी थी, तो यहाँ पर हमें आईडी लिखनी पड़ेगी जिससे हम वो डेटा को गेट कर पाए। तो चलिए, यहाँ पर हम सबसे पहले एक क्वेरी लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कोर्स इज इक्वल्स टू हमारे मॉडल का नाम कोर्स डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट। तो हमें यहाँ पर आईडी को गेट करना है। तो आईडी इज इक्वल्स टू आईडी, ये आईडी मिल गई। अब ये कोर्स को सिंपली हम कर देंगे डिलीट, कोर्स डॉट डिलीट। तो ये कोर्स हमारा डिलीट हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर एक मैसेज भी शो कराना है, मैसेजेस डॉट सक्सेस मैसेज। यहाँ पर हम शो कराएंगे रिक्वेस्ट, और यहाँ पर हमें मैसेज लिखना है कोर्स आर सक्सेस फुली डिलीटेड। अब ये कोर्स मैसेज लिख दिया हमने। मैसेज प्लेस हो जाने के बाद इसको रिडायरेक्ट भी कराना है। तो हमें इसको रिडायरेक्ट कराएंगे व्यू कोर्स पर, व्यू कोर्स। तो ये सारा फंक्शन हमने लिख दिया। अब एक और चीज़ है, यहाँ से हमने आईडी नहीं भेजी। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो वो जी जो रो है MCA की, हमें ये जो 2 नंबर की आईडी है वो यहाँ पर URL में जानी चाहिए। तो चलिए, आईडी को भी करना पड़ेगा। तो हमें जाना पड़ेगा व्यू स्टूडेंट डॉट HTML पर, सॉरी व्यू स्टूडेंट नहीं, पर व्यू कोर्स डॉट HTML। और यहाँ पर जिस तरीके से हमने एडिट स्टूडेंट में किया था, यहाँ से आईडी भेज रहे थे हम, इसी तरह से हम डिलीट में भी आईडी भेजेंगे। तो यहाँ पर हमें इसका URL लिखना पड़ेगा। तो URL में हमने लिखा है डिलीट कोर्स और i.id, जिससे एक आईडी भेजी जाएगी। तो यहाँ पर मैं रिफ्रेश करूँगा। अगर मैं इसको डिलीट किया, यहाँ पर आपको यहाँ पर देखना है, तो यहाँ पर 7 आ गया, यहाँ पर 6 आ गया, यहाँ पर 2 आ गया। अब ये 6 वाला है उसको हम डिलीट, 7 वाला है उसको हम डिलीट करेंगे। यहाँ पर मैंने क्लिक किया, डिलीट हो जाने के बाद हमें फिर से रिडायरेक्ट कराया व्यूज़ वाले पे, ये जो कोर्स व्यू है वहाँ पर, और वो जो डेटा था वो यहाँ से चला गया। इसको डिलीट करेंगे तो वो भी चला गया। यानी कि हमारा जो डिलीट वाला फंक्शन है वो सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। अगले वीडियो से हम सब्जेक्ट पर काम करना स्टार्ट कर देंगे। फिर हम सब्जेक्ट सेशन और फिर आएंगे स्टाफ पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।